भगवान के वियोग का बड़ा विरह हुआ ध्रुव को और अपने नगर की ओर चले। देवर्षि नारद ने पहले ही आकर उत्तानपाद राजा को बताया कि भगवान का दर्शन करके ध्रुव आ रहे हैं। राजा ने नगर सजवाया, सब लोग प्रवासी नर नारी सुंदर मालाएं लेकर स्वागतम के लिए चले हैं। आज सभी आनंदित होकर जा रहे हैं ध्रुव का स्वागत करने। जब भगवान की कृपा होती है तो सभी कृपा करते हैं और दोनों माताएं भी चली, सुनीति और सुरुचि, नगर के बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज आए, पिता के चरणों में दंडवत की, पिता ने उठाकर हृदय से लगाया। अब दोनों माताएं बराबर पर खड़ी हैं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव दौड़े, मां माता कहकर दौड़े। मां नगर की नारियां कहती हैं कि देखो देखो ये सुरुचि भी आई है। इसी सुरुचि ने पिता की गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया था, देखना ध्रुव की ओर देखेंगे नहीं। ध्रुव दौड़े, मां कहकर के वो पहले सुरुचि के चरणों में लौट गए। सुरुचि बोली, मेरे लाल मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया था, पिता की गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया था, तुम अपनी माता को छोड़कर मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो? ध्रुव बोले, मां तुम मेरी प्रथम गुरु हो, यदि तुमने पिता की गोद से फेंका ना होता तो परमात्मा की गोद हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में उस समय हुआ जब भगवान श्री राम वन से लौटे। कैकेयी अंबा के चरणों में पहले प्रणाम किया, वहीं कौशल्या खड़ी है, इन पहले कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटे कैकेयी रोने लगी, राम अपनी मां कौशल्या को छोड़कर मेरे चरणों में प्रणाम करते हो? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी। तो बड़ी दुष्टा हूं, मैंने तुम्हें बन दिया। भगवान बोले, नहीं मां, जननी दोष देही जलते ही सपने हूं संत सभा से, तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता। मां तुमने तो शंकर भगवान की तरह कालकूट गरल रूपी अपयश को पचाया है, मुझे वनवास देकर तुमने विश्व का राम बनाया। कैकेयी के चरणों में बार बार गिरे। कैकेयी कहां पुनि पुनि मिले जिय की जननी न जाए, बार बार चरणों में प्रभु जाने कैकेयी ल जानी प्रथम तास गृह गए भवानी। आज ऐसे ही ध्रुव सुरुचि के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुरुचि तम समुत्थाय पादावनत अर्भकम् परिसृज्या जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। सुरुचि ने हृदय से लगा लिया, अश्रुपात किया। वही मैया सुनीति खड़ी है, सुनीति रस जननी प्राणेभ्योपि प्रियं सुतम् पया स्तनाभ्याम सुश्राव नेत्र जयी सलिलेशि। आज मैया सुनीत ने अपने लाला को हृदय से लगा लिया, चरणों में पड़े लाल को उठाकर हृदय से लगाया। पया स्तनाभ्याम सुश्राव, माता के स्तनों से वात्सल्य का दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रु और बोली, मेरे लाल आज मैं पुत्रवती हो गई। विश्व की अधिकांश नारियां पुत्र होने पर भी पुत्रवती का गौरव प्राप्त नहीं कर पाती, वही नारी पुत्रवती है। पुत्रमती वती जग सो, पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत भली पांच बियानी राम विमुख सुत ते हित हानी राम सुत ते हित हानी। जो राम का भक्त नहीं है ऐसे पुत्र से हित हानि है, वही माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। अब तो ध्रुव को लेकर भवन में आई, कुछ कालांतर में राजा को वैराग्य हुआ, ध्रुव को राज्य देकर तपस्या करने चले गए।
महाराज ध्रुव ने प्रजापत सुमारी की भ्रम नाम की कन्या से विवाह किया। कल्पवत्सर दो पुत्र हुए, वायुपुत्र इला से उत्कल गए विमल तीन पुत्र हुए। 36,000 वर्ष राज्य किया। उत्तम का वध यक्षों ने किया तो इन्होंने यक्षों से युद्ध करके प्रतिशोध लिया। मनुज ने युद्ध विराम कराया। लौट कर ध्रुव आए नगर में अयोध्या में और उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दिया और बद्रीनाथ गए। वहां तपस्या कर रहे थे, सुंदर विमान आया, सामने मृत्यु खड़ी है। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मोक्ष के विमान में बैठे और इनकी माँ पहले ही वैकुंठ चली गई और ध्रुव ने विमान पर बैठ करके अपने ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाउ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे 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 ताल की सेवा करते हुए राधे का नाम ले। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय
प्रतिपाल
अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा मोर मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे मोर मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे ओ अपना चंदा सा चंदा सा चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा मोर मुकुट वारे घुंघरारी बांसुरी अधरन धर मुस्काए
नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददाशे। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो माता रामो मत्पिता रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। कुंद मा
समागत ब्रह्म स्वरूप भक्तगणों, श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की कमनी कृपा दृष्टि से पशुपति नगर यशोदा नगर की पवित्र भूमि पर कली कलमश विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण की अलौकिक कथा का रसामृत आप पान कर रहे हैं और इस पावन परिसर में समस्त देवता समस्त धाम विराजमान हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानधर क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध भद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज आदि पावन धाम सब पूर्ण देवता समस्त धाम इस पावन परिसर में विराजमान है। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी अब मेरी ओर निहार, लेत सदा सुध दीन की सहज दया के दान, जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। धन्य भूमि यह धन्य है जहाँ साधु सत्संग, धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहाँ हरि कथा प्रसंग। प्यारे भक्तों, वैदिक सनातन धर्मावलंबी श्रोतागणों, कथा श्रवण हित आइए, तजी माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज परीक्षित जी एवं श्रोतागणों, आप सबने कल सायं बेला तक ध्रुव चरित्र की पावन कथा श्रवण की। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन किया और बताया भजन की कोई आयु सुनिश्चित नहीं है कि किस आयु में भजन किया जाए। जब सत्संग में ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, उसी समय से भजन प्रारंभ कर देना है। भजन के लिए वर्ण, योग्यता,
और आयु का कोई समन्वय नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। व्याधस्या चरणम ध्रुव भय विद्या गजेन्द्रस्य का कुबजाया किम नाम रूपम अधिकम किं श्रुत सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर गोविंद भक्त प्रियः। व्याधस्याचरण धर्म व्याध का कौन सा सदाचरण था, ध्रुव की कौन आयु थी, गजराज कौन विद्वान था, विद्या गजेंद्रस्य का गजराज के पास कौन विद्या थी, कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम कुब्जा कौन सुंदरी थी, सुदामा जी कौन धनवान थे, विदुर कौन कुलीन थे, उग्रसेन कौन पराक्रमी थे, इनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, नच गुणैः गोविंद भक्त प्रियः। गुरु के वंश में आगे राजर्षि अंग हुए, उनका पुत्र वेन बड़ा अत्याचारी ब्राह्मण द्रोही हुआ, भृगु जी ने ओंकार मात्र से उसे भस्म किया और वेन का शरीर मंथन हुआ, उससे दोनों भुजाओं के मंथन से अर्चि और पृथु जी लक्ष्मी नारायण के ही अवतार अर्चि और पृथु प्राकट उनका प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। महाराज भगवान पृथु जी ने धरती को गाय रूप में बनाकर दोहन किए, रत्नों का दोहन किया। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, सभी यज्ञ में इनके अश्व को श्याम कर्ण को इंद्र ने चुराया, इनके पुत्र ने इंद्र को पराजित करके अश्व वापस किया, उसका नाम विजितास्व हुआ। सभी यज्ञ में ब्रह्मा जी ने समझाया यज्ञ रोक दो, तुम तो साक्षात भगवान के स्वरूप हो। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथ्वी जी ने यज्ञ रोका और स्वयं नारायण प्रकट हुए। नारायण से पृथ्वी जी ने यही वरदान मांगा कि आपकी कथा सुनने के लिए हमारे ये दो कान बहुत कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमें 10,000 कान दीजिए, अयुत करण हमें प्रदान कीजिए। 10,000 कान मांगे, अब दो कानों से लोग कथा नहीं सुनते। राजा पृथ्वी ने 10,000 कान मांगे कि हमें 10,000 कान प्राप्त हों जिनसे हम आपकी कथा सुने। ऐसे बोलो पृथु महाराज की जय। पुरंजन पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन जीवात्मा है, पुरंजनी माया है, अभिज्ञात ब्रह्म है। माया चक्र में पड़ गया पुरंजन, भटक गया, बाद में अभिज्ञात ने ज्ञान दिया। अब पंचम स्कंद का शुभारंभ हुआ तो पंचम स्कंद में महाराज राजा परिवृत ने पृथ्वी के 7 भाग किए, सप्त द्वीपों की सीमा का निर्धारण किया और सप्त सिंधुओं की सीमा का निर्धारण किया। महाराज परिवृत के पुत्र वे आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि नाभि के भगवान ऋषभदेव, स्वयं भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में उतार लिया है। ऋषभदेव जी ने ब्रह्माव्रत को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर विशाल यज्ञ किया, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा जी को बुलाकर यज्ञ किया। आज जहां ब्रह्माव्रत की खूंटी है वहीं पर ब्रह्मा जी आए थे और यज्ञ कराया था, ऐसा ब्रह्मावर धाम। महाराज ऋषभदेव जी ने वहां शासन किया, वो पूरे विश्व की राजधानी रहा, इसलिए संकल्प में अब भी ब्रह्मावर्त क्षेत्र का संकल्प आचार्य पढ़ते हैं। ऐसे पावन ब्रह्मावर्त में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया, इनके 100 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, पहले अपने देश का नाम था अजनाभ वर्ष, इन्हीं भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष हुआ। तुम्हारा भरत के समेत अपने 100 पुत्र योगियों, 9 योगेश्वरों को बुलाया और पुत्रों को बुलाया, प्रजाजनों को एकत्र किया और भगवान ऋषभ देव जी ने उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाये तपो दिव्यम
पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम कुनंतम। थोड़ी मिठास बनाओ बेटे, मीठा बनाओ थोड़ा हल्का सा। बड़ा सुंदर प्यारा श्लोक। नायम देहो देह भाजाम लोके, ये मानव शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये भोग तो पशुओं और पक्षियों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो भोग प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत कठिन श्रम करता है, ये आहार निद्रा इंद्रिय सुख ये पशुओं को प्रकृति से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिंगभुजाय। बिंगभुज माने पशु पक्षी, इनको भी ये आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतर पशुभिर नारायण, ये समान रूप से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य में ज्ञान और भक्ति है, इसलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। 84 लक्ष्य योनियों में श्रेष्ठ है, ये शरीर भगवत भजन के लिए मिला है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाये। ये संसार के इंद्रिय सुख रूप रस गंध स्पर्श की मादकता से परे हो जाओ, तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनं अनंतम। तपस्या करो, और जब तपस्या करोगे तो दिव्यता प्राप्त होगी। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हे पुत्रो उससे सतोगुण प्राप्त होगा और उससे ब्रह्म सुख मिलेगा। शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंतम ब्रह्म सुखम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्म सुख के आगे संसार का सुख बहुत ही छोटा है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महंतास्ते समचित्ता प्रशांतः विमन्वयः सुहृदः साधव। कहा महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा प्यारा श्लोक, फिर से सुने। महान महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती। आज सेवा धर्म से वंचित हो रहे हैं लोग। संतों को धन की दक्षिणा तो दे देते हैं, सेवा नहीं करते हाथों से। आज से 20 वर्ष पहले लगभग बड़ी सेवा भावना थी, अब भी है लेकिन ढूंढे ढूंढे मिलती। पहले बड़ी सेवा भावना थी, माता पिता गुरुजन बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव था। भागवत में ऋषभ देव जी कहते हैं ये सेवा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवक धर्म श्रेष्ठ है, योगियों से भी अगम्य है।
माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा ये मोक्ष का द्वार खोलती। महत्व सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महत्व सेवा माने महापुरुषों की सेवा। द्वार माहुर विमुक्ते, विमुक्ते द्वारम आहु, ये मोक्ष का द्वार है। सत्संग करो और कुसंग का त्याग करो। मैंने सत्संग भी करें कुसंग भी करें तो बराबर हो जाएगा, इसलिए कहा सत्संग करो और कुसंग छोड़ दो। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। कुसंग छोड़ो।